हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी चॉकलेट फज रेसिपी, जिसे मैंने पान फ्लेवर का बनाकर तैयार किया है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए इस टेस्टी सी चॉकलेट पान फज को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है एक पैन में पानी। पानी को हमें गर्म करना है। अब यहाँ पर हमने लिया ये व्हाइट कंपाउंड चॉकलेट, क्योंकि हम यहाँ पर पान फ्लेवर का बना रहे हैं तो ये बहुत ही ईजिली मार्केट में मिल जाता है, तो हमें इसका हाफ ही इस्तेमाल करना है। पानी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है तो गैस का फ्लेम लो कर देंगे और बाउल को रख देंगे ऊपर। यहाँ पर हमने व्हाइट चॉकलेट का आधा लिया है, मतलब 200 ग्राम, और हमने यहाँ पर इसको अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। डबल बॉयलर में इसे मेल्ट करना है हमें, सीधे पैन में मेल्ट ना करें नहीं तो चॉकलेट जल जाएगी। आप चाहें तो इसे माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं, तो 1 से 1.5 मिनट में ये मेल्ट हो जाएगी, लेकिन आप इसको बीच बीच में चलाते रहें 30-30 सेकंड में। तो इसे अच्छी तरह से हमें मेल्ट कर लेना है। ये चॉकलेट फज मार्केट में बहुत महंगी मिलती है, लेकिन आप इसे घर में बहुत ही ईजिली वे पे बना सकते हैं। ये रखने में भी बहुत दिनों तक स्टोर होकर रह जाती हैं। आप इन्हें किसी को गिफ्ट में भी दे सकते हैं, और वैसे भी अभी फेस्टिवल सीज़न चल ही रहे हैं, दिवाली में मिठाई से अच्छे आप चाहें तो इन्हें ही बनाकर रख सकते हैं और किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। तो ये देखिए चॉकलेट हमारी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है, तो इसे अच्छी तरह से हम मेल्ट कर लेंगे। हमें ना ही बार बार बाउल को ऊपर करना है, ना ही गैस का फ्लेम हमें हाई करना है, ना ही कटोरे से हमारा बाउल है ना उससे पानी टच नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए हमारी चॉकलेट बहुत ही अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। चॉकलेट को मेल्ट करने के बाद आप इसे बाहर निकाल लें, नीचे उतार लें, और इसके बाद आप इसमें डालें ग्रीन फूड कलर। यहाँ पर हम चॉकलेट फज को बना रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ये लिक्विड वाला फूड कलर डाल दिया है। अगर आप इसे चॉकलेट मोल्ड में डालने वाले हैं तो ये लिक्विड वाला जो कलर है वो ना डालें। और अब हम इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क। तो हमने यहाँ पर 200 ग्राम चॉकलेट ली है, तो 100 ग्राम यहाँ पर हम डाल रहे हैं कंडेंस मिल्क। तो ये देखिए एकदम फजी होना ये स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर हमने ये मुखवाश लिया जिससे इसमें पान फ्लेवर आएगा, आप एसेंस भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें कलरफुल कुछ टूटी फ्रूटी डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऑरेंज वाली डाल दी है, रेड वाली डाल देंगे, कुछ ग्रीन वाली डाल देंगे। आप इसमें मीठी वाली जो रंग बिरंगी सौंफ आती है ना, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो जितना कलरफुल चाहें आप उतना इसे बना सकते हैं। थोड़ा सा हमने इसमें चेरी भी डाला है। तो ये सारी चीज़ें हमें फटाफट से कर लेना है। तो ये देखिए एकदम फजी फजी ये बनकर तैयार होने लगी है। इसे सेट होने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो ये सभी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से कर दिया है मिक्स। अब हम इसे सेट करेंगे। तो आप किसी भी बर्फ़ी ट्रे में, प्लेट में, या फिर किसी भी कंटेनर में इन्हें सेट कर सकते हैं। तो बटर पेपर बनाने के लिए हमने जुगाड़ लगाया है। तो यहाँ पर हमने लिया है एक पेपर, कोई भी आप पेपर ले लें, और इसमें हमें बटर या फिर ऑयल अच्छी तरह से लगा देना है। तो ये देखिए हमारा होममेड बटर पेपर बनकर तैयार है। यहाँ पर हमने एक ये स्क्वायर बाउल ले लिया है। आप बर्फी ट्रे भी ले सकते हैं, सिंपल प्लेट भी ले सकते हैं, लेकिन आप उसमें इस तरह से बटर पेपर लगा दें। और अब हम इसमें सेट करेंगे हमारी पान चॉकलेट फज। तो अब हम इसमें पोर कर देते हैं, और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, हमें इसी तरह से रखनी है और अच्छी तरह से हमें स्प्रेड कर देना है। 1 से 2 घंटे के लिए आप इसे फ्रिज में रख दें, और यदि बहुत ज़्यादा जल्दी है तो आप इसे फ्रीजर में भी रख सकते हैं। एक बार सेट होने के बाद ये बार बार मेल्ट नहीं होती, क्योंकि हमने इस्तेमाल चॉकलेट किया है तो वो एक बार सेट हो जाती है, तो फिर बार बार नहीं मेल्ट होती अगर उसे ज़्यादा गर्म प्लेस पर नहीं रखेंगे तो। अब इसके ऊपर से हमने थोड़ा सा सौंफ स्प्रिंकलर कर दी है, फिर से थोड़ा सा टूटी फ्रूटी डाल देंगे जिससे कि ये देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगे, और खाने में तो ये टेस्टी है ही। आप फिर से ऊपर यहाँ पर मीठी वाली जो कलर वाली सौंफ आती है ना, वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो सारा हमारा तैयारी हो चुकी है, अब बस हमें इसका इंतज़ार करना है सेट करने का। तो आप इसे अपने अलग अलग शेप में, अलग अलग मोल्ड में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, जिस तरह का आपको पसंद हो उस तरह से। तो हमने यहाँ पर इसे हल्का सा दबा दिया है, और अब हम इसे जमने के लिए छोड़ देंगे 1 से 2 घंटे के लिए, और इसके बाद हम इसके पीसेस कट करेंगे।
तो ये देखिए हमारी चॉकलेट बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो गई है। अगर ये आपको लगे कि ये नहीं निकल रही है तो हल्का सा आप इसको नीचे से गर्म कर दें तो ये ईजिली निकल जाएगा। अब इसका पेपर भी निकाल देते हैं। तो ये देखिए हमारी बहुत ही टेस्टी पान मुखवास चॉकलेट फज तैयार है। फिनिशिंग देने के लिए सबसे पहले हम इसके किनारे कट कर लेते हैं और इसके बाद आप इसको जैसा चाहें वैसा आप इसको कट कर सकते हैं। तो बस आप इसे लेवल कर लें और कट कर लें। सारे पीसेस हमने कट करके तैयार कर लिए हैं। तो ये लीजिए बनकर तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी चॉकलेट पान फज। आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको मेरी सबसे पहले मिले।